गाइस काफ़ी बंदे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उनको ये नहीं पता रहती कि किन किन जगहों पर क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जाए। इन इन जगहों पर अगर हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी और चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो बिना नॉलेज के क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और साथ में उन जगहों पर यूज करते हैं, इससे उनको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी और चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और बाद में काफ़ी लोगों से बोलते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड लेना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इस पर काफ़ी ज़्यादा हमको चार्ज पे करने पड़ते हैं, जितना तो कैशबैक नहीं मिलता उससे डबल हमको इधर पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती कि इन जगहों पर क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का यूज किस किस जगह पर आपको नहीं करना है, जिससे आप चार्जेस और पेनल्टी से बच सकेंगे। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड यूजर की सबसे फर्स्ट गलती की, जो कि सभी क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड यूजर ये गलती करते हैं। बिकॉज क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेट्रोल पंप पर जाकर फ्यूल भराने लगते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने लगते हैं। अब उनको ये तो पता रहता है कि किसी किसी क्रेडिट कार्ड पर आज के रेट पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है 1% का। अब फ्यूल सरचार्ज वेवर किसी किसी को नहीं पता रहता है, वो लोग सोचते हैं कि भाई 1% का हमको कैशबैक देखने को मिला है पेट्रोल भराने पर। अब वो डायरेक्टली पेट्रोल भराने जाते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं और सोचते हैं भाई 1% का हमको कैशबैक मिला है तो हम क्यों क्रेडिट कार्ड से ना पेमेंट करें। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। बिकॉज फ्यूल सरचार्ज वेवर का मतलब ये होता है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हैं तो उधर पर आपको 1% का चार्ज देना पड़ता है पेट्रोल पंप को। जैसे कि लाइक 5000 का आप पेट्रोल भरा रहे हैं तो आपको 50 रुपीज़ का आपको चार्ज देना पड़ेगा 1% के हिसाब से। अब काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स आपको आज के रेट पर देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर प्रोवाइड करा रहे हैं। अब फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको प्रोवाइड कराते हैं तो जो आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है पेट्रोल पंप पर वो वेव ऑफ हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। और साथ में उनको ये लगता है कि भाई ये 1% का जो हमको एक्स्ट्रा लग रहा था वो तो वेव ऑफ हो जाता है, बट उनके जान में 1% का कैशबैक मिल रहा है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना, जो कि आपको 1% का सभी क्रेडिट कार्ड पर फ्यूल सरचार्ज वेवर लगता है वो किसी किसी कार्ड पर माफ़ कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि 1% का आपको कैशबैक दिया जाता है पेट्रोल भराने में। पेट्रोल भराने में आपको किसी भी प्रकार का कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स पर आपको नहीं देखने को मिलता। इसके साथ साथ अगर वेवर भी है आपके क्रेडिट कार्ड पर तो भी आपको इधर पर पेनल्टी लगेगी। बिकॉज अगर आप 5000 का पेट्रोल भराते हैं तो इधर पर आपको 1% के हिसाब से 50 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है, और साथ में अगर आपके में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर है तो 50 आपका रुपीज़ है जो वो कट हो जाएगा। बट जो 50 रुपीज़ की GST लगती है वो तो आपको पे ही करनी पड़ेगी, जो कि 50 रुपीज़ की जीएसटी होती है वो 9 रुपये लगेगी 50 रुपीज़ में। अगर आप 5000 का पेट्रोल भराते हैं तो 50 रुपीज़ आपको सरचार्ज लगता है, वो सरचार्ज वेवर हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है, तो इधर पर आपको 9 रुपये की GST पे करनी पड़ेगी बैंक को, जो कि काफ़ी लोग नहीं जानते और ये गलती कर बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा का पेट्रोल भरा लेते हैं और ये 9-9 रुपये कर बहुत ही ज़्यादा GST हो जाती है इकट्ठी, और उनके क्रेडिट कार्ड से इधर पर चार्ज कटना स्टार्ट हो जाता है और बोलते हैं भाई मुझे तो 1% कैशबैक मिलना चाहिए, इधर पर चार्ज क्यों कट रहा है। तो इस तरीके की गलती आप बिल्कुल भी मत करना। पेट्रोल कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ना भरवाना, बिकॉज अगर आपके में फ्यूल सरचार्ज वेवर भी है तो भी मत भरवाना, बिकॉज इससे आपको GST तो पे करनी ही पड़ेगी, 1% बचेगा बट GST उसकी पे करनी पड़ेगा। तो ये चीजें आप ध्यान पर जरूर रखा करिए। गाइस जो सेकंड गलती करते हैं क्रेडिट कार्ड यूजर्स, ये काफी ज्यादा लोग करते हैं, जो कि IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट वगैरह, फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक कर लेते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो उनको ये नहीं है पता IRCTC की वेबसाइट पर अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1% का चार्ज इधर पर क्रेडिट कार्ड पर, हर क्रेडिट कार्ड पर आपको पे करना पड़ता है। कि आप IRCTC की वेबसाइट पर कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट मत करिएगा, बिकॉज 1% आपको इधर पर चार्ज देना पड़ता है और काफी लोगों को नहीं पता रहता। तो आप कभी भी टिकट वगैरह IRCTC की वेबसाइट पर जाकर कभी बुक मत करना। भाई जो थर्ड गलती करते हैं क्रेडिट कार्ड यूजर्स, ये तो काफी लोगों को पता होगा वैसे तो मेरे हिसाब से, अगर काफी लोगों को नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू कभी भी आप कैश को विड्रॉल मत करिए, बिकॉज इससे आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है और इसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा इधर पर फी भी पे करनी पड़ती है, जो कि सबसे पहले तो एडवांस फी आपको पे करनी पड़ती है, जो कि 2.5% के अप्रॉक्स आपको क्रेडिट कार्ड्स पर एडवांस फी पे करनी पड़ती है बैंक को, और साथ में इसके साथ साथ फाइनेंस फीस भी आपको पे करनी पड़ती है 3.5% के अप्रॉक्स आपको बैंकों पर देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा कम ज्यादा भी आपको किसी किसी बैंकों पर देखने को मिल सकती है। तो ये दो तरीके की फी इधर पर आपको पे करनी पड़ती है आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश को विड्रॉल करते हैं। तो कभी भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने कैश को विड्रॉल करिए, बिकॉज इससे सिविल स्कोर बहुत ही जल्दी से डाउन होता है और साथ में पेनल्टी भी आपको काफी ज्यादा लगती है, बिकॉज जो
फाइनेंस फीस है वो मंथ के अंदर आपको 3.5% की देखने को मिल जाती है। अगर और भी आप करते गए ऐसा ही करते गए तो आपको काफी ज्यादा इधर पर फी पे करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ गाइज हम बात करते हैं चौथी गलती की, क्रेडिट कार्ड यूजर्स काफी कर देते हैं जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर अपना जो भी टैक्स वगैरह है उसको पे करने में अपना क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट साइटों पर अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो इधर पर आपको किसी भी प्रकार की कैशबैक देखने को नहीं मिलती, इधर पर आपको चार्ज ही पे करना पड़ेगा बैंक को। अगर आप गवर्नमेंट साइट पर जाकर टैक्स वगैरह पे करने लगते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो काफी ज्यादा इधर पर आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है और काफी ज्यादा इधर पर आपसे चार्ज वसूला जा सकता है। तो गवर्नमेंट साइट पर कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना है। इसके साथ साथ गाइस काफी लोग गलती करते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो इधर पर आपको 2.5% से लेकर 3.5% तक का चार्ज पे करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड पर। वैसे तो ये मेंशन होता है सभी क्रेडिट कार्ड पर, अगर आप फॉरेन पर ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी प्रकार का तो इधर पर आपको इतना कुछ चार्जेस देखने को मिल जाता है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड के हिसाब से अलग अलग चार्जेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फॉरेन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो चार्जेस पे करना ही पड़ेगा आपको सभी क्रेडिट कार्ड पर। इसके बाद गाइस वॉलेट लोड, काफी ज्यादा वॉलेट लोड करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब उनको नहीं पता रहता है कि वॉलेट लोड करने पर हमको काफी ज्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा जो कि 2.5% से लेकर 3.5% तक का चार्ज इधर पर आपको वॉलेट लोड पर क्रेडिट कार्ड्स पर देखने को मिल जाता है। हर क्रेडिट कार्ड्स का अलग अलग चार्ज इधर पर आपको देखने को मिल जाता है। तो कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू वॉलेट लोड नहीं करना है, इससे आपके सिविल स्कोर भी डाउन होगा और साथ में आपको जो भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो काफी ज्यादा पे करने पड़ेंगे। सो गाइस जितनी कुछ आपको गलतियां आपको क्रेडिट कार्ड को यूज करने में नहीं करनी, इतनी जगहों पर आपको क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना जो कि मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश किया है। बट जो भी आपका कंफ्यूजन हो, जिस भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बोल सकते हैं, मैं सभी आपका क्लियर कर दूंगा। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही बैंकिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना। थैंक्स वॉचिंग।